अगर कोई आपका विरोध करे, अगर कोई आपका विरोध करे तो आप डरो मत, क्योंकि दुनिया पत्थर उसी पेड़ पर मारती है जिस पेड़ पर फल लगे रहते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश का पार्ट 9 और सेंटेंस के बारे में सारी डिटेल्स। कोई भी इंग्लिश का बेसिक चीज़ जानने से पहले हम लोग को सेंटेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को पहचाना कैसे जाए। सेंटेंस को हम लोग अगर पहचानना सीख जाएंगे कौन सा सेंटेंस कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, तो इंग्लिश और भी दोस्तों इजी लगने लगेगी। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स के जो भी जो डिफिनेशन होते हैं उसके टाइप्स के बारे में एक एक डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कॉपी पेन लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है नोट करते चलिएगा। अब नोट करते चलिएगा दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ नोट करने के लिए क्योंकि मैं इसका PDF आप लोगों को अभी नहीं दूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या है कि एक बेहतर तरीके से और जो भी स्टडी है हमारी बेहतर तरीके से अगर सपोर्ट करेंगे तो कर पाएंगे। चलिए सेंटेंस के बारे में देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस की डिफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस का डिफिनेशन वह हो जाता है सिंपल भाषा में, वह कहें सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले तो शब्द का ऐसा समूह होता है जिससे कि पूरा पूरा अर्थ निकले। अगर किसी शब्द से पूरा पूरा अर्थ निकल जाए तो वह क्या है, वह है सेंटेंस। हिंदी वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे, शब्द का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस बोला जाता है। और इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कम्प्लीट सेंस, जो कि पूरा पूरा समूह, जो कि पूरा पूरा अर्थ निकले उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया राम आम खाता है, क्या बोला, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। इससे दोस्तों पूरा पूरा सब निकल रहा है, राम आम खाता है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, बात आता है सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो सेंटेंस के टोटल दोस्तों 5 टाइप होते हैं। कौन कौन होते हैं, 5 टाइप कौन कौन होते हैं। सबसे पहला तो आता है, एक नंबर पे नोट कीजिएगा, एक नंबर पे आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस एक नंबर पे आता है, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य इसका हिंदी होता है, सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य, दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव मतलब आप लोगों को पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, प्रश्न सूचक। क्या है, प्रश्न सूचक इंट्रोगेटिव का मतलब होता है। थर्ड नंबर पर आता है, तीसरा नंबर जो है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पर आता है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब क्या है, आशा सूचक वाक्य। क्या है, आशा सूचक वाक्य। और चौथे नंबर पर आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चौथे नंबर पर आता है, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य इसे हम लोग बोलते हैं। और लास्ट वन जो कि 5 नंबर है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो भी इसमें जो पॉइंट है, एक पीक पॉइंट जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलिए एक एक का डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। चलिए सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस हिंदी वाले बच्चे सबसे पहले ध्यान दें, जिस वाक्य से सामान्य कथन का बोध हो। जैसे सामान्य कथन बोल दिया जाए, कोई सिंपल वर्ड बोल दिया जाए, कोई सिंपल वर्ड का जिससे बोध हो। जैसे मैं बोल दिया राम पत्र लिखता है, एग्जाम्पल क्या ले लिया मैं,
राम पत्र लिखता है, मैं बोल दिया आप लोगों से, राम राइट्स अ लेटर। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल राम पत्र लिखता है, सिंपल हो गया। और इंग्लिश वाले बच्चे नोट करेंगे, अ सेंटेंस विच डिनोट्स अ जनरल असर्शन इज कॉल्ड एंड असर्टिव सेंटेंस। इतना तक क्लियर है? तो दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप। दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी से एक बार थम्सअप कीजिए। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? आप लोगों को पता है कि इंट्रो का मतलब, जहाँ भी आप लोग को इंट्रो दिख जाए उसका मतलब ये हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं पर प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर कहीं पर प्रश्न पूछा जाए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में उसको हम लोग जानेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया, आर यू रेडी, आर यू रेडी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो टू स्कूल, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? आई एम पी ई आर ए टी आई वी, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं पर आज्ञा या फिर सलाह या आग्रह का अगर कहीं पर भाव व्यक्त हो रहा हो, दोस्तों आप लोगों को ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग आगे जब पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस पहचानने में काफ़ी आप लोगों को मदद मिलने वाला है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा, सलाह, आग्रह। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों से बोलूँ, सबसे पहले ऑर्डर की बात कर दें, ब्रिंग द चेयर, ब्रिंग द चेयर, इसका ये अर्थ हुआ कि कुर्सी लाओ, आज्ञा दिया जा रहा है यहाँ पे, कुर्सी लाओ। उसके बाद में दूसरा, मैं अगर रिक्वेस्ट की बात करूँ, रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल दूँ, प्लीज़ गिव मी अ पेन, जहाँ भी आप लोगों को प्लीज़ दिखे या आप लोगों को काइंडली दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है। और यह कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। कमांड की बात किया जाए यानी कि रिस्पेक्ट की बात किया जाए, रिस्पेक्ट योर टीचर। सलाह की बात किया जाए, आग्रह की बात किया जाए तो रिस्पेक्ट योर टीचर, हमेशा अपने जो टीचर हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये होता है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पेज संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से भी बनाया गया है। और आप लोग नीचे एक जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग कोई भी जो प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। फेसबुक पे डाउट सेशन बनाया गया है और टेलीग्राम में अच्छे अच्छे जो स्टडी मटेरियल है, यहाँ तक कि इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में पोस्ट करते रहता हूँ समय समय पर। अपना जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसका पीडीएफ हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जाके काफ़ी अच्छी अच्छी आप लोगों को नॉलेज वहाँ से मिल जाती है। बात करें अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोस्तों अगर कहीं पर आप लोगों को शोक दिख जाए, कहीं पर आप लोगों को शोक, खुशी या फिर आश्चर्य का अगर किसी सेंटेंस में भाव व्यक्त हो रहा हो तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं आप लोगों से बोल दिया एग्जाम्पल हुर्रा, आप लोगों को पता है आप लोग बोलते हैं हुर्रा, और ये दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा जब भी आप लोगों को चिन्ह दिखे तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद में हमेशा ऐसा साइन दिया जाता है जिससे ये पता चल सके कि यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दूसरा मैं आप लोगों को बोल दूं अल्लास, अल्लास दोस्तों ये है शोक मनाने के लिए इसको लगाया जाता है। और उसके बाद में मैं बोल दूँ हाउ, ओह, तो ये सब जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों लास्ट जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट नंबर पे आता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस से आशीर्वाद या इच्छा की भाव व्यक्त हो। जैसे कोई बोलता है तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में इसको मानेंगे। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस एन ऑप्शन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भूलिएगा मत, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं सारे डिफिनेशन बताया हूँ काफ़ी इजी तरीके से। और दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर कीजिए दोस्तों में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का जो ऑफ द डे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मैं टैग कर देता हूँ।